हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भूगोल के यानी ज्योग्राफी के 45 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू बेस होंगे और ये हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये भाग जो है तीन रहेगा और जिन्होंने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप भूगोल के भाग 1 और भाग 2 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं भूगोल का कि भारत जो है निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है। हम जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी को ग्लोब के रूप में देखें तो बीच में जो है 0 अंश की जो रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, तो जो ऊपर का है वो नॉर्दर्न स्पीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का जो है साउदर्न स्पीयर है जिसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन ये है कि भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन 1 है उत्तरी और पूर्वी, और दूसरा है दक्षिण और पूर्वी, ऑप्शन 3 है उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन 4 है उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है और जो इंग्लैंड में जो रेखा मानी गई है जिसको हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी जी फॉर ग्रीन, विच और मीन, ये मीन को मतलब हिंदी में माध्य कहते हैं, और टी फॉर टाइम जिसको GMT कई कई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि GMT का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका है ग्रीनविच मीन माध्य समय। तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है या पीछे है। तो इसका ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है कि हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है, यानी हम चंद्रमा के बारे में स्टडी करें तो उसको क्या कहेंगे। तो उसको हम कहेंगे सेलेनोकॉजी, सेलेनोकॉजी या सेलेनोग्राफी, या कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा सेलेनोग्राफी, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चंद्रमा के स्टडी को हम क्या कहते हैं, सेलेनोकॉजी कहते हैं। जिस तरीके से रेशम के कीट जो पालने को हम क्या कहते हैं और मधुमक्खी के पालन को कहते हैं, तो इसी तरीके से चंद्रमा के अध्ययन को हम कहते हैं सेलेनोकॉजी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस रेखांश, रेखांश का मतलब है देशांतर, इंग्लिश में बोले लॉन्गिट्यूड, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है या किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय से जोड़ा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 2 है 82 डिग्री ईस्ट देशांतर, 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, रेखांश का मतलब देशांतर, राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है कि पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृति है, यानी पवन द्वारा कौन सी इसमें आकृति बनती है। तो ऑप्शन 1 है ब्रह्मलीन, ऑप्शन 2 है मिरांडा, ऑप्शन 3 है छत्रकशिला और ऑप्शन 4 है क्लिप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 है छत्रकशिला, ठीक है। यानी हमने पढ़ा है भूगोल में कि नदियां जो है वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, ये आपने पढ़ा होगा, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है कौन, नदियां, ठीक है। उसी तरीके से पर्वत द्वारा छत्रक सेल का निर्माण होता है, ठीक है, पवनों द्वारा किसका निर्माण होता है, छत्रक शिला का, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 3 है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट उदाहरण है, ग्रेनाइट यानी एक प्रकार का ये शैल है और आपने शैल पढ़े हैं, रूपांतरित शैल पड़ा है, आग्नेय शैल पड़ा है, अवसादी शैल पड़ा है, तो ये किस प्रकार का शैल है ग्रेनाइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है आग्नेय शैल, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है आग्नेय शैल। ग्रेनाइट का उदाहरण क्या है, आग्नेय शैल। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल किस शैल का बना है, इसका सही उत्तर है रूपांतरित शैल। आप नोट करिए इसका जो सही उत्तर है ताजमहल किसका बना हुआ है, रूपांतरित सेल का।
रूपांतरित शैल है जिसका ताजमहल बना हुआ है। और हम जानते हैं कि भारत के दक्षिण में पठार हैं, और जो कि पठार खनिज पदार्थों से भरे हुए हैं, तो वहाँ पर जो दक्षिण का जो पठार है वो किन शैलों के बने हुए हैं, तो वो भी रूपांतरित शैल के बने हुए हैं। ये क्वेश्चन दूसरा नोट करिए, पहला नोट करिए, ताजमहल किसका बना हुआ है, किस शैल का बना हुआ है, रूपांतरित शैल, और दक्षिण के जो पठार हैं वो किन शैलों से, किन शैलों की इसमें यहाँ पर मात्रा ज़्यादा है, तो वो भी रूपांतरित शैल। और ग्रेनाइट का उदाहरण क्या है, आग्नेय शैल। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ऑप्शन वन भारत में, ऑप्शन टू है भूटान में, ऑप्शन थ्री है नेपाल, ऑप्शन फोर है तिब्बत में। तो भारत की जो हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नेपाल में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, नेपाल में। ठीक है, अब आप अन्य जानकारियां नोट करिए, भारत का पहरेदार किसे कहा जाता है, तो भारत का जो पहरेदार है उसको हिमालय को कहा जाता है। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि नेपाल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, कभी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो वो भी आप नोट करिए, 8800, कभी 48 होता है, 8800 कहीं 49 मिल जाएगा और कहीं 8850 मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, यानी 48, 49 और 50। ठीक है, और एक और भारत की अगर पूछें कि सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है कंचनजंगा, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो 8586 मीटर। ये भी क्वेश्चन कॉपी और पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन नोट करते रहिए। भारत की अगर पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, गॉडविन, ऑस्टिन, के टू बोलते हैं उसको, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 8586, और माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8848, कहीं 49 कहीं 50 भी मीटर में होगी ये। राइट है, अगला क्वेश्चन है आठवां, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्या कहते हैं, चट्टानें जो अपने स्थान पर टूटती रहती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अपक्षय कहेंगे, तो ऑप्शन वन इसका सही उत्तर होगा। अब पूछा जाता है कि चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की घटना को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि अपरदन किसे कहते हैं, तो आप ये नोट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, कि अपरदन एक प्राकृतिक घटना है, प्रक्रिया है, जिसमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों का टूटना और उनके निकले ढीले पदार्थों का पवन द्वारा, जल द्वारा और बर्फ द्वारा आदि के जरिए स्थानांतरित होना शामिल है। यानी कहने का मतलब है, अपरदन जो होता है वो टूट फूट होती रहती है, और फिर इनका पवन के द्वारा, जल के द्वारा और वायु के द्वारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो ये इन चीजों का स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नमा निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो पंपाज घास का मैदान है, और कंपाज भी घास का मैदान है, और जो लाओनोज है, लानोज, ये भी जो है घास का मैदान है। ठीक है, पंपाज तो आपने पढ़ा होगा, ये अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पाया जाता है, और ये लानोज जो है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में, कोलंबिया और वेनेजुएला, कोलंबिया एक देश है वहां पर दक्षिण अमेरिका में, और वेनेजुएला के देशों के बीच में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो कहने का मतलब है ये तीनों है, लेकिन घास का मैदान आटाकामा नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन थ्री है। आटाकामा फिर क्या है, आटाकामा रेगिस्तान है, आटाकामा क्या है, रेगिस्तान, घास का मैदान नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो कौन सा इसमें सागर है जिसमें लवणता अधिक है। ठीक है, लवण यानी साल्ट ज्यादा है, खारा, तो ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर है, मृत सागर, ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर है, मृत सागर। ये कहां पर है, ये एक्चुअली में इजराइल और इजराइल देश और जॉर्डन देश के बीच में एक नमकीन झील है, मैंने बताया था अभी, लवणता का मतलब साल्टी, नमकीन, तो ये मृत सागर क्या है, सबसे अधिक जो है खारा है, और ये कहां पर है, इजराइल और जॉर्डन के बीच, नोट करेंगे। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है, तो एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एनएमएमएस में,
जलधारा पे एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ठंडी जलधारा है और कौन सी गर्म जलधारा है। तो पहले तो आप ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा याद कर लेना। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन सी गर्म जलधारा है, तो पहले तो इसका सही उत्तर है कौन सी गर्म जलधारा है, तो इसमें इसका ऑप्शन इसका टू है कनारी। कौन सा क्वेश्चन है? कनारी जलधारा है, गर्म जलधारा कौन सी है? कनारी। एक मिनट, इस क्वेश्चन का सॉरी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो गल्फ स्ट्रीम है, ये जो है गर्म जलधारा है, ऑप्शन थ्री इसका सही उत्तर है। तो आप नोट करेंगे कि जो कनारी जलधारा है ये ठंडी है, और ये कहाँ पर है, ये दूसरी है ये लेबराडोर, ये भी जो है ठंडी जलधारा है। तो इसमें जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म जलधारा है, और बाकी की कौन सी है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां कि निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है। अब इसमें पूछा है ठंडी जलधारा, ठीक है, तो आप पहले से आप इनकी सूची बना रहे हो। गल्फ स्ट्रीम कौन सी धारा है? गर्म गल्फ स्ट्रीम की धारा है गर्म जलधारा, और क्यूरेशिया की जलधारा है ये भी कैसी है? ये भी गर्म है, और कनारी की जो बताई थी अभी ये भी कैसी है? ठंडी है। तो इसमें जो है कौन सी ठंडी महासागरी जलधारा है, महासागरी जलधारा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो अलास्का की जलधारा, राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक हिल स्टेशन है ऊटी, और पर्यटक यहाँ पर घूमने जाते हैं ऊटी, ठीक है, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ऑप्शन वन है इसका केरल में, ऑप्शन टू है कर्नाटका में, ऑप्शन थ्री है उत्तराखंड में, ऑप्शन फोर है तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तमिलनाडु में, ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर है, ठीक है। ये अगर आप मैसूर है जो कर्नाटक में, वहां से 125 किलोमीटर दूर रह जाता है ऊटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ राजधानी के ऊपर आप याद कर लेंगे, हमारे जो 28 राज्य हैं उनकी राजधानी आप याद कर लेंगे, एक क्वेश्चन वहां से भी मिलने की संभावना है। तो झारखंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो रांची है, तो ऑप्शन वन इसका सही उत्तर होगा। अब आप नोट करिए, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य है, इसकी राजधानी रायपुर। और पटना, पटना की क्या है? बिहार। बिहार की राजधानी है ये पटना। और भुवनेश्वर किसकी है? उड़ीसा की। ये आप फटाफट जल्दी से नोट करो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? रांची। अगला क्वेश्चन है, चंदन की जो लकड़ी होती है वो सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किस राज्य में होता है? ऑप्शन वन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन टू है मध्य प्रदेश, ऑप्शन थ्री कर्नाटक, और ऑप्शन फोर केरल में। तो कर्नाटक में इसका, चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ऑप्शन थ्री इसका सही उत्तर है। आप एक चीज और नोट करिए, कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा कॉफी का होता है, तो ये नोट कर लो, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन यानी कहवा का उत्पादन कहाँ पर होता है इंडिया में? कर्नाटका में, नोट कर लिया। और कर्नाटक में एक परमाणु कैगा, एक गांव है वहां पर कैगा, वहां पर क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र है, नोट करेंगे कैगा, परमाणु शक्ति केंद्र है वहां पर कहेगा में। ये भी कहां पर कहेगा? के फॉर कर्नाटका, याद रखेंगे। तो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बताया, चंदन की लकड़ी का, कॉफी का और कहेगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी और कहवा कहां पर होता है, तो ब्राजील लगाएंगे, तो नोट करेंगे सबसे ज्यादा विश्व में ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है 16वां कि अमेजन तथा जायरे, दो घाटियां हैं अमेजन और जायरे घाटी के लोग खेती करते हैं, तो किस प्रकार की खेती करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो वो लोग करते हैं झूम खेती। अब क्वेश्चन ये उठता है कि झूम खेती क्या है, क्वेश्चन अगर ये आ गया तो झूम खेती, तो झूम खेती जो है एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानांतरित, ठीक है। स्थानांतरित का मतलब है वो ट्रांसफर वाली, यानी इसमें किसान जो है कुछ समय तक इस पर खेती करते हैं और उसके बाद फिर वो खेत को छोड़ देते हैं, फिर स्थानांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर, फिर दूसरी जगह करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो सेवन सिस्टर है वहां पर इसकी खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अग्रणी, अग्रणी का मतलब नंबर वन पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, यानी किस राज्य में पेट्रोलियम प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, नोट करेंगे, तो वो गुजरात है, और गुजरात की राजधानी,
गांधीनगर, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गुजरात। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। महाराष्ट्र की मुंबई। असम की दिसपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायो डीजल पौधा है? ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनएमएमएस में, इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा प्लांट है जो बायो डीजल कहलाता है? तो वो है जेट्रोपा रतनजोत। जेट्रोपा रतनजोत इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन। सोयाबीन का सबसे नंबर वन अग्रणी का मतलब नंबर वन आगे उत्पादक माना प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा सोयाबीन इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? तो याद करेंगे एमपी, एमपी फॉर मध्य प्रदेश, राइट है। अगला क्वेश्चन है, हम 19-20 में, देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं फटाफट बताता जा रहा हूँ, नोट करते जाइए। तेल, ऑयल और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल गैस। क्या कहेंगे? नेचुरल गैस। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय है देहरादून में, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। नोट कर लिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, संस्थान का मतलब इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, जो वेराइटी है सोनारा, सोनारा बढ़िया बीज है। उन्नत का मतलब है बढ़िया बीज, प्रजाति का मतलब है वेराइटी। तो ये सोनारा जो बीज है ये किसका है? तो ये ऑप्शन 1 है गेहूं का। सोनारा किसका है? गेहूं का। तो इस प्रकार की वेराइटी वाला एक क्वेश्चन आप 4-5 याद कर लो, मिल जाएगा। चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश है कौन सा? ऐसा देश है जिसमें राइस का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और वो चावल में नंबर 1 है, तो ऑप्शन 3 है इसमें चीन। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23वां, कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो वो है हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, राइट है। विधान पूछा जाता है, एक और नोट करिए सिविक्स में, विधान परिषद की जो सीटें हैं, विधान परिषद की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100, और विधानसभा की सीट कितनी है? 403, ठीक है। राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है? तो पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त जो बंदरगाह है वो है कांडला, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 25, फलों की डलिया। फलों की डलिया, डलिया का मतलब बास्केट, किस प्रदेश को कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है फलों की डलिया? तो ऑप्शन 2 है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला एक पर्यटक स्थल है, जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया। ऊटी कहां पड़ता है? ऊटी तमिलनाडु में, राइट है। और हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि भी कहा जाता है, नोट करेंगे वीर भूमि। और क्या कहा जाता है? तीसरा नाम देव भूमि, देव भूमि। तो देव भूमि, वीर भूमि और इसकी राजधानी शिमला। फलों की डलिया भी कैसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। सरसों के बीज, यानी सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य, अब आप देख रहे हैं जो उत्पादन वाले आप सबसे याद कर लेना, ये क्वेश्चन इसमें सभी मिलेगा। सरसों के जो बीज का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसको हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? पिंक सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइए। और 27वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव वायुमंडल के किस भाग पर पड़ रहा है? यानी वायु प्रदूषण हो रहा है, हमारी वायु गंदी हो रही है, तो सर्वाधिक जो प्रभाव है जो वायुमंडल की, जो आपने परतें पढ़ी है 5, तो उसमें कौन सी परत पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है? तो वो है ओजोन मंडल, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। ओजोन मंडल से अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो इसका जो है ओजोन मंडल, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम बता, इस प्रश्न का सही जवाब है ओजोन मंडल। और जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो किसमें होती हैं? वो सबसे जो नीचे का होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कभी कभी इंग्लिश में पूछ लेते हैं, क्षोभ मंडल नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, ठीक है। तो सबसे वाला इंग्लिश में भी आप इनके याद कर लेना। अगला है, उगते सूरज का देश कहा जाता है, उगते सूरज का जो देश कहा जाता है उसको हम जापान को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है जापान, ठीक है। एक क्वेश्चन आप नोट करिए, और डूबते सूरज को, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डूबते सूरज, ठीक है। अब नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है?
तो उसको कहा जाता है नॉर्वे। नोट कर लिया आपने, डूबते सूरज का देश नॉर्वे, उगते सूरज का देश जापान। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा था, नॉर्वे को हम डूबते का भी कहते हैं और आधी रात का भी देश कहते हैं, मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब आधी रात का भी देश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए, फटाफट आप नोट करते जाइए। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप का है, क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाता है तो एशिया, लेकिन सबसे छोटा पूछा गया है तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउंस। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य भारत और चीन के मध्य जो है एक सीमा रेखा, बॉर्डर, बॉर्डर लाइन को खींची गई है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, ऑप्शन वन है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच बॉर्डर लाइन कौन सी है? मैकमोहन रेखा। अब क्वेश्चन नोट करिए, और रेड क्लिफ रेखा, ये दूसरी वाली को ये रेखा है, ये पूछी जाए तो किसकी है? नोट करेंगे, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी है? रेड क्लिफ। नोट कर लिया, अतिरिक्त जानकारी है ये। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन, डूरंड रेखा किसके देश के बीच है? तो आप नोट करेंगे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? डूरंड लाइन। अगला क्वेश्चन है कि भारत मुख्यतः क्या है? मुख्यतः क्या है, कहीं कौन सा देश है ये भारत? तो भारत जो है विकसित देश है, औद्योगिक देश यानी इंडस्ट्रियल देश है, ऑप्शन थ्री है पूंजीवादी देश है, और ऑप्शन फोर है विकासशील देश है। तो ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर है, विकास की ओर बढ़ रहा है। अगर विकासशील इस समय देश है, इस प्रश्न का सही जवाब है विकासशील देश। अब विकसित देश हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाए? यहां पर जो कम आय है, लोगों की जो इनकम है वो बढ़ जाए, और जीवन का जो निम्न स्तर है वो उच्च स्तर का हो जाए, और जनसंख्या में जो कमी ज्यादा है वो कमी हो जाए, नौकरियां, भोजन, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास की जो कमी है ये बढ़ जाए, गरीबी खत्म हो जाए, बेरोजगारी, बेरोजगारी जैसी जो चुनौतियां हैं ये खत्म हो जाए, तो किस में आ जाएगा? तो हमारा विकसित देश हो जाएगा। तो हमारा भारत क्या है? अभी विकासशील देश है। अन्य देश भी हैं, जैसे ब्राजील है, वो भी विकासशील देश है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले? आपने देखा होगा, कुछ ग्रह देखे होंगे आपने चित्र में, तो कुछ ग्रह के चारों ओर छल्ले से बने होते हैं। छल्ले को हिंदी में कहते हैं वलय और इंग्लिश में कहते हैं रिंग्स, घेरा। ठीक है, तो कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर ग्रह बने हुए हैं, वो बने होते हैं रिंग्स? तो वो ऑप्शन है वन बृहस्पति, शनि और अरुण। अंग्रेजी में बोले बृहस्पति को जुपिटर और शनि को कहेंगे सैटर्न, और अरुण और वरुण यानी नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून। तो इनके चारों ओर क्या बने होते हैं? रिंग्स बने होते हैं। अब इनको ये रिंग्स किसके बने होते हैं ये पूछ लिया तो वो भी नोट कर लो। ये होते हैं पानी के और धूल के और बर्फ के, ठीक है, और चट्टानों के, ये रिंग्स इसके बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, 33वां क्वेश्चन देखो, 45 क्वेश्चन है। जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ये शेयर करें अपने दोस्तों को। पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है जिसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पहला, पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण। अब ये पूछा जाता है कभी कभी, अगला क्वेश्चन नोट करिए यहाँ पर, कि भूपर्पटी का निर्माण किससे होता है? तो वो होता है सिलिका से, सिलिका, सिलिका यानी इसको हम ऐसे करें सी एस सियाल, सिलिका। ठीक है, तो ये सिलिका जो है किसकी बनी होती है? बालू की और एल्यूमिनियम की। ठीक है, सिलिका किसकी बनी होती है? भूपर्पटी का निर्माण किससे होता है? सिलिका से, ये सा है, सिलिका से, सिलिका का मतलब सियाल, सिलिका यानी बालू और एल्यूमिनियम। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से फलों का प्रोडक्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा है जहां पर फलों का भंडार है, फलों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? तो इसका ऑप्शन टू इसका सही उत्तर है, भूमध्य सागरी प्रदेश, राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, जलधारा, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, क्वेश्चन देखो एक आना ही आना है इसमें। क्वेश्चन क्या है कि कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया अमेरिका में एक शहर है, और कैलिफोर्निया जो है बादाम और जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स खासतौर से अखरोट और बादाम के लिए वर्ल्ड फेमस है, तो कैलिफोर्निया जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो कैलिफोर्निया जो जलधारा है वो क्यूरेशिया की
क्यूरोशियो जलधारा को कहा जाता है, तो ऑप्शन वन इसका सही उत्तर होगा। अभी मैंने बताया था गल्फ स्ट्रीम, लेब्रोडोर और क्यूराल, ये चार पांच जलधाराएं हैं। पहले तो आप ये याद कर लेना कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, एक क्वेश्चन आना ही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत का ओनली एक ज्वालामुखी है जो कि कैसा है, सक्रिय, कहां पर है वो, अंडमान और निकोबार समूह के किस द्वीप पर है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इंडिया का, वहां पर एक द्वीप है उस द्वीप पर है, तो वो ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में भारत का एक ही मात्र का क्या है, ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है। अगला क्वेश्चन है 37वां, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी ऐसी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, उसको जो है इस को दो बार काट देती है, यानी दो बार इसको काट देती है, तो वो कौन सी नदी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को दो बार काट देती है, तो वो है कांगो नदी, ऑप्शन वन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जैसे हमारी हिमालय की श्रृंखला है, ये ट्रांस हिमालय है, हिमाद्री है, फिर उसके बाद क्या है, शिवालिक है ना, फिर मैदान शुरू होते हैं, तो इस तरीके की ये श्रृंखला है, ये जो कि चीन में है, नेपाल में है, तिब्बत में और भारत में है, ये है, लेकिन पूछ रहे हैं कि संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन थ्री इसका सही जवाब होगा। तो ये यहाँ पर है साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी साउथ दक्षिण अमेरिका जो है उसके पश्चिमी तट पर स्थित है, और अगर हम देश की बात करें तो वेनेजुएला एक देश है, वहां पर वेनेजुएला से लेकर चिली तक फैली हुई है, नोट कर लिया, मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट कर लेना, वेनेजुएला वहां पर देश है साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, यानी वेनेजुएला से लेकर चिली तक फैली हुई है ये पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी अगर हम आपने देखा होगा ग्लोब में जीरो ये हो गया भूमध्य रेखा, ऊपर क्या हो गई कर्क रेखा और नीचे क्या हो गई मकर रेखा, ये है 23.5 अंश नॉर्थ में कर्क रेखा और नीचे है 23.5 अंश ये मकर रेखा, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहेंगे इसको, ये पूछ रहे हैं, उष्णकटिबंध कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे, कटबंध का मतलब अंग्रेजी में कहेंगे जोन, तो किस प्रकार का जोन है इनके बीच वाला, तो ऑप्शन इसका है, इसका पहला ऑप्शन सही है उष्ण कटबंध, यानी गर्म, उष्ण माने गर्म, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये क्षेत्र वैसे भी गर्म होगा, ठीक है, तो ये उष्ण है, गर्म जो है कटबंध है, गर्म क्षेत्र है, जोन का मतलब क्षेत्र, कटबंध का मतलब क्षेत्र। अगला है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कौन सा राज्य है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन करता है, तो वो ऑप्शन टू इसका सही उत्तर है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है इसका 41वां, कि सिरिको जिस तरीके से हमारे देश की जो स्थानीय पवन है लू, हमारे भारत की है लू, ऐसे ही जो सिरिको है, सिरिको ये कहाँ की स्थानीय लोकल पवन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन टू इटली की, जैसे अमेरिका की कौन सी है नोट कर लेना, चिनूक, कौन सी है चिनूक। निम्न में से कौन बगीचों का शहर है, यानी बगीचों का शहर है गार्डन सिटी, गार्डन सिटी कौन सा शहर है जिसको बगीचों का शहर कहा जाता है, तो ऑप्शन वन इसका सही उत्तर है बंगलुरु। उदयपुर का भी आप लिख लो, इसको लेक सिटी कहते हैं, लेक सिटी यानी झीलों का शहर। जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो दर्रा पे एक क्वेश्चन आ सकता है, वह राज्य जहां पर शिपकीला दर्रा है, कौन सा दर्रा, शिपकीला दर्रा, दर्रा वो होते हैं जहां पर प्राकृतिक रूप से पर्वत पर एक रास्ता सा बन जाता है, और प्राकृतिक रूप से एक रास्ता होता है जिसको हम दर्रा कहते हैं, तो ये शिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन थ्री इसका सही जवाब होगा, शिपकीला दर्रा, ठीक है। तो एक और है अपने लद्दाख में, एक नोट करो, लद्दाख में एक दर्रा है जिसको कहते हैं जोजीला, जोजीला दर्रा, ठीक है। दर्रा क्या होता है, पर्वतों पर एक मार्ग बन जाता है, प्राकृतिक रूप से एक सड़क बन जाती है जिससे आप आ जा सकते हैं, ठीक है। तो जोजीला दर्रा कहाँ पर है, भारत के लद्दाख में, लद्दाख एक रेगिस्तान है ठंडा, ठीक है, ठंडा प्रदेश है लद्दाख, अब तो वो है केंद्र शासित प्रदेश है, नोट कर लिया, जोजीला दर्रा कहां पर है, लद्दाख में।
ठीक है, श्रीनगर से ले जाने का सड़क मार्ग इसी दर्रे से ऊपर जाता है, श्रीनगर से ले, नोट कर लो, श्रीनगर से लेह जाने का जो सड़क मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन 44, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, 43 के बाद 44, फिर यहाँ पर 45, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, नो डाउट कोई बात नहीं है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है, यहाँ से जैसे गंगा नदी का उद्गम स्रोत, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत, तो और ये आप याद कर लीजिए, एक उद्गम स्रोत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये नर्मदा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है अमरकंटक, कौन सा है, अमरकंटक, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। देखिए एक ये थे, एक फेरल ने, एक थे फेरल, नोट करेंगे, फेरल ने क्या बताया, फेरल ने ही बताया था कि पवन जो है बाईं तरफ मुड़ जाती है और दाईं तरफ मुड़ जाती है। देखिए ऐसे समझिए, फेरल ने बताया था कि ये तो रहा नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध और ये रहा एसपी दक्षिणी गोलार्ध, तो जब पवन जाती है तो इस तरीके से ये जो है, इसको समझिए आप तो अब समझ में आ जाएगा। अब तो ये कहते हैं फेरल ने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा होगी वो दाईं तरफ होगी और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा होगी बाईं तरफ होगी, ठीक है। तो ये किसने बताया था, ये विचलन, विचलन का मतलब है मुड़ जाना, मुड़ना, तो मुड़ जाती है, इसका क्या कारण है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है, तो वो है हमारा पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूमना, जिसकी वजह से ये जो हवा है वो दाई बाई ओर घूमती है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन घूमती है बाई ओर और पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा कोरियालिस बल, कोरियालिस बल जो है वो पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी जो बाई तरफ मुड़ गई और दाई तरफ मुड़ गई, ये कोरियालिस बल की वजह से, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, जैसे हमारे प्रयागराज में, प्रयागराज को हम संगम कहते हैं क्योंकि वहां पर तीन नदियों का मिलन होता है, एक गंगा, एक यमुना और एक सरस्वती, सरस्वती अदृश्य नदी है तो ये संगम हो गया, और एक नदी है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी, इनका संगम होता है देवप्रयाग, कहाँ से, देवप्रयाग, यानी हरिद्वार से लगभग 99 किलोमीटर दूर है वहां देवप्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथ का संगम होता है। तो ये थे 46 हो गए, एक बढ़ गया है, तो 46 ये एमसीक्यू थे भूगोल के, आई होप ये आपके जो सभी कंपटीशन में हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।